रानीखेत विधानसभा के राज्य के पॉलिटेक्निक जनालिया का 5 साल तक बंद रहने के बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने पुनः संचालित करने के लिए विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राजीव नवोदय के कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, 3 करोड़ 18 लाख की लागत से बने पॉलिटेक्निक कॉलेज को 2017 में ट्रेड नहीं होने के चलते बंद कर दिया गया था, जिसे अब पुनः संचालित किया गया है, जिसके लिए क्षेत्रीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल का आभार जताया। गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हमारा जो है राजकीय पॉलिटेक्निक है चौनलिया का, तो ये पिछले 5 साल से बंद पड़ा था, क्योंकि इसमें ऑफिस मैनेजमेंट का एक कोर्स चलाया जाता था 5 साल पहले, चूंकि छात्र संख्या शून्य हो गई थी और उसका ऑफिस मैनेजमेंट का कोई व्यवहारिक जीवन में कोई काम भी नहीं रह गया था, रोजगार से जुड़ा हुआ विषय नहीं रह गया, इसलिए इसमें ताले पड़ गए थे। 2017 में इसमें बंद था। यहाँ के तमाम अभिभावक और यहाँ की जनता निरंतर इसको खोलने की मांग कर रही थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे तकनीकी मंत्री जी से जाकर के रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना की कि हमारे यहाँ न सिर्फ पॉलिटेक्निक खोला जाए बल्कि उसमें ट्रेड भी बढ़ाए जाए और व्यवहारिक ट्रेड बढ़ाए जाए।